तिर्तोलरे एथरो किए मारिबो बाजी समस्तंकर ताहा पे नजर रहिछि कारण तिर्तोलरे एथरो पुणिथरे बाय इलेक्शन रे विष्णु दास जे कि पूर्व इलेक्शन जितितले तांको पुओ सामना को आसीछेंती एवं तसहित बीजेपी तरफ मध्य स्ट्रांग कैंडिडेट दिया जाइछि कांग्रेस मध्य बेस कसरत करिछि केमले बाबे तिर्तोल आसन को निज कब्जा को नेबो जा चित्र वर्तमान स्पष्ट हेबार लागिछि धीरे धीरे सामना को आसुछि जे तिर्तोलरे आ किछि समय पर वोट गणना आरंभ हेबो सेठरे किए बाजीमात करूछि कारण गतथर बीजेडी अर्थात शासक दल प्राय 40,000 भोट रे निजर निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी रा रमाकांत भोई को परास्त करथिले विष्णु दास एवं कांग्रेस 23,000 भोट सहित तृतीय स्थान रे थिला तबे एथरा तिर्तोल रे ए समीकरण किछि ओलट पलट हेउछि कि एवं बीजेपी जेउ कसरत करछि कांग्रेस जेउ कसरत करछि पुणि थरे तहार विजय बाना उडौछि कि कांग्रेस कि बीजेपी ना शासक दल पुणि थरे सेठरे आसन को अख्तियार करछि तापरे नजर रहछि मानस हम सहित जोडी होछि मानस वर्तमान तिर्तोल रा स्थिति कोन खास करी आ केते समय अपेक्षा रहछि आ तीनी प्रमुख दलों के मध्य केते उत्साह रही छे देखु अपूर्व आज जो भोट गणति कार्यक्रम विभिन्न राजनीतिक दल पक्ष उत्साह प्रकाश पाई विशेषकर बीजेडी कांग्रेस और बीजेपी तरफ गोटे उत्साह प्रकाश पाई कि भाव में जो भोट गणतिर फलाफल रोक नहीं जगत सिंहपुर जिला प्रशासन व्यापक व्यवस्था करें जगत सिंहपुर जिले एसबीएम कलेज जो गत तीन तारीख में इलेक्शन पर जितेबाला ईवीएम गुड़िक आसिक सिल कर त्रिस्तरीय व्यवस्था भितर सीसीटीवी भितर रही पुलिस प्रशासन पक्ष सजग रही कि स्ट्रॉंग रूम को सील करा यार भितर तिर्तोल उपनिर्वाचन पर 373 बूथ होता है से बूथ जो ईवीएम गुड़क आसी से स्ट्रॉंग रूम रे रही किभली भाव में त्रिस्तरीय सुरक्षा भितर रखा जाती आज तो 8टा बेलू गणति आरंभ हो सका 7टू समस्त ये सजग रही पुलिस प्रशासन तरफ त्रिस्तरीय व्यवस्था करमक का जिलापा कहते ये जो गणति आज रखा जाए 373 जो टेबुल रही 373 जो ईवीएम मेसीन रही दुईट ईवीएम टेबुल करा जाए दुईट रूम व्यवस्था एवं प्रति रूम रे 7टी लेखा टेबुल 14टी टेबुल करा जाए ईवीएम गणति पाई या सहित प्रथम आरंभ 8टार पोस्टाल बालाटर गणति करा जाए पोस्टाल बालाट जो गोटे रूम रे दुईट टेबुल व्यवस्था करा जाए या को किबळी भाव रे शांति श्रृंखला सह करा जाए प्रशासन तरफ व्यवस्था करा जाए ए जो गणति कार्य पर जो रही 22 जन माइक्रो सुपरवाइजर रही सुपर जो काउंटिंग असिस्टेंट रही 22 जन एवं 24 जन माइक्रो सुपरवाइजर रही कि भाव में गणति कार्य को सुरखुरी करें से प्रशासन तरफ व्यापक बंदोबस्त कर सहित जो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कराइप प्रशासन तरफ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करोर कि चार प्लाटून पुलिस फोर्स रही जन एडिशनल एसपी रही तीन जन डीएसपी रही सहित 37 जन पुलिस अफिसर रही किभली भाव में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर जो मानकर केवल एंट्री पास करतर को जाए से काउंटिंग एजेंट हूँ कि गणमाध्यम प्रतिनिधि हूँ समस्ते केवल से काउंटिंग पास ने भितर को जीवे ए सहित किभली भाव में ये जो गणति कार्य को सुरखुरी कैर से प्रशासन पर व्यापक व्यवस्था कर देखा गले जो राजनीतिक दल मैंने रही उत्सुकता सहित अपेक्षा कर किभली भाव में ये जो गणतिर कार्यक्रम आरंभ हो सपक्ष जनमत जीव जो गत इलेक्शन पर आम देखा गले जो बीजेपी बीजेडी प्राय 90,000 ऊर्ज भोट पाई सहित बीजेपी टक्कर देकर 50,000 ऊर्ज भोट पाई कांग्रेस 22,000 भोट पाई ये जो भोट व्यवधान रही गत इलेक्शन ठीक इलेक्शन समस्त मन भितर उत्साह प्रकाश पाई भोट व्यवधान कहार केते बढ़िबो किभली भाव में ये जो राजनैतिक समीकरण बदलिबो विभिन्न राजनैतिक दल आज रिजल्ट आसुछि गत काली अनेक दलीय कर्मकर्ता सहित मिसीथिबे आलोचना करथिबे नेता सहित आलोचना करेंगे कहुए जाए रेजल्ट पूर्व हावभाव देखी ठरे हुए जे कहा सपक्ष में भोट जाऊ थे तो आपन को कांग्रेस बीजेडी कि बीजेपी क्यों दलय कर्मकर्ता क्यों दलय नेता कन्फिडेंट टी अधिक लगला जे से क्योंटना क्योंटी आगुआ अच्छा कन्फिडेंट रू जमापड़ जाए जे किए खास विजय हासिल करें आकलन करें तो कन्फिडेंट किए अधिक लगुले देखो अपूर्व ये जो तिर्तोल निर्वाचन मंडली रही बिरीडी रघुनाथपुर तिर्तोल तीनोटी ब्लक को नहीं बिरीडी निर्वाचन मंडल रही तिर्तोल निर्वाचन मंडली ये जो निर्वाचन मंडली विशेषकर जो तीनोटी चारोटी टर्म पूर्व आम देखीचे बीजेडी सपक्ष में जनमत जाए कि जो चलित निर्वाचन हो कि पूर्व निर्वाचन हो गए बीजेपी पक्ष स्वतंत्र हवा बजी समस्त मन भितर उत्साह पाई जो नरेन्द्र मोदी रही जो प्रधानमंत्री रही प्रति जनसमर्थन बढ़ी जहाँ भोट बैंक आगुरी परवर्त
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଯେତିକି ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଯେଉଁ ଜିତିଥିଲେ 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ମାର୍ଜିନ୍ଟାକୁ କେତେ ମାର୍ଜିନ୍ କମିବ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ପକାଉଛି। ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେତିକି ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥିଲେ ବିଜେପି ହେଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ଏ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାଠାରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଯେତିକି ହାୱା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କାହା ପକ୍ଷରେ ଜନମତ ଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ 2-3 ରାଉଣ୍ଡ ପରେ କିଛିଟା ଜଣାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯେତିକ ନେତା କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୃକୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପୂର୍ବ ମାନସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଜ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ଲଭିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, କଂଗ୍ରେସ ରେସ୍ରେ ଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ମଧ୍ୟ ୱାକଓଭର ଦେଇଦେଇଛି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକୁ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, କଂଗ୍ରେସର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ୍ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଗତ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ପୂର୍ବ ଇଲେକ୍ସନ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଜି ଯେ ବିଜେପିର ରାଜକିଶୋର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 2019 ପୂର୍ବରୁ 2014 ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ 2019 କଂଗ୍ରେସ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ରହିଥିଲା 29,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବାନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଜନମତ ଯାହା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଯାହା ଆମେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜନମତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଓକେ ମାନସ, ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗଣତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।